जेडीयू के अशोक चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। अशोक चौधरी ने सराय सीट से जीत हासिल की है। अशोक चौधरी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। पहले वे कांग्रेस में थे लेकिन बाद में जेडीयू ज्वाइन कर ली थी। साल 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए थे तो 1 मार्च 2018 को अशोक चौधरी ने जेडीयू की सदस्यता ली। पिछले साल उन्हें भवन निर्माण मंत्री बनाया गया था। 2014 में अशोक चौधरी बिहार विधान परिषद के सदस्य भी बनाए गए थे। महागठबंधन की सरकार बनने पर शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। इस बार उन्हें कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा अभी यह साफ नहीं हो सका है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।